अगर व्हाट्सएप पर नंबर लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होता है तो आप समझ लीजिए कि आपका नंबर बैन हो चुका है। अगर ये नंबर क्यों बैन होता है, किस वजह से होता है और किस तरह से हम इसको वापस से अनबैन करवा सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको सारा तरीके बताऊंगा। नंबर वन, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका नंबर बैन किस तरह से होता है। अगर आपके नंबर पर कुछ ज़्यादा ही मैसेजेज आ रहे हैं तो इस वजह से भी आपका नंबर बैन हो सकता है। और दूसरा, अगर आप ग्रुप बना रहे हो तो अगर आप ग्रुप में एक बार में 50 आदमी एक साथ ऐड करोगे तो इस वजह से भी आपका नंबर बैन हो सकता है। तो जो तीसरी बात है वो ये है कि अगर आपको कोई बंदा रिपोर्ट करे तब भी आपका नंबर बैन हो सकता है। नंबर टू पे ये आती है कि आप नंबर किस तरह से अनबैन करवाओगे, तो ये सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं। तो अगर आपको अभी अनबैन करवाना है तो मैं आपको 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर आपका नंबर अनबैन करवा दूँगा। जैसे कि अभी ये नंबर बैन है तो इसका भी अभी मैं सब कुछ करता हूँ, आपके सामने करता हूँ, और ये 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर बैन हो जाएगा और इसका मैं प्रूफ भी आपको दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना व्हाट्सअप ओपन करें। ओपन करने के बाद आपका जो भी नंबर बैन है तो उसको एंटर कर लेना। तो अगर आपका कंट्री कोड कोई और है तो आप कोई और कंट्री कोड भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा पाकिस्तान का है 92, तो मैं वही सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना नंबर कॉपी किया था तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ सिंपली। तो ये वही नंबर है जो मैं आपको अभी अनबैन करवा के भी दिखाऊँगा, ठीक है। ये भी बैन है तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। तो देख सकते हैं कि दिस नंबर इज़ बैन फ्रॉम व्हाट्सअप कंटेक्ट सपोर्ट फॉर हेल्प, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। तो आपने भी सिंपली ऐसे ही करना है तो आपका नंबर अनबैन हो जाएगा। तो सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर ये लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं पेस्ट कर, जो कि मैंने पहले से ही कॉपी कर लिया था वहाँ से, ठीक है। तो आपने यहाँ पर सिंपली इस तरह से ये लिख करना है, यहाँ पर लिख देना है, और उसके बाद जो नंबर है 92 के बाद अपना नंबर सिंपली यहाँ पर डायल कर देना है। तभी मैं वापस यहाँ पर अपना नंबर भी डाल कर देता हूँ जो कि मैंने सिंपली यहाँ पर कॉपी किया था। तो कॉपी करने के बाद, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ये सब कुछ इस तरह से लिख कर, ठीक है, अपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और दूसरा के नंबर बैन करवाने वाली सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस होगा, तो आपने सबसे लास्ट पे क्लिक करना है, दिस डजंट आंसर माई क्वेश्चन, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने मेल पर क्लिक करनी है। मेल पर क्लिक करने के बाद अपने आपके सामने इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा, ठीक है। आपने सिंपली मेल पर मेल को सेंड कर देना है, आपका जो भी ईमेल है तो वो सिंपली सेंड हो जाएगा। तो अभी हम वेट करते हैं। तो मैंने आपको टाइम देख सकते हैं कि मैंने 2:08 पे इसको सेंड किया है, ठीक है, 2:08 पे सेंड किया। और आप ईमेल भी चेक कर सकते हैं कि ईमेल सेंड हो रही है, और डेट भी आप देख सकते हैं। तो जैसे ईमेल सेंड होती है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से जब मिल जाएगी, और बाकी जब ये अनबैन होगा तो घंटे 2 घंटे के अंदर अंदर ये अनबैन हो भी जाएगा, तो भी मैं फिर आपको दिखा दूँगा। तो ये हमारी मेल चली गई शायद, वापस से चेक करते हैं, अभी भी जा रही है। तो आपको कुछ देर के लिए वेट करना पड़ेगा क्योंकि मेल की जो MB ना वो कुछ ज़्यादा ही होती है। दूसरा, अगर आपका नेट सही है तो आपकी मेल जल्द से जल्द चली जाएगी। अब देख सकते हैं कि हमारा जो मेल है वो चला गया। तो अभी हमें क्या करना होगा कि वेट करना पड़ेगा। जब आप मैसेज सेंड करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक वो जो व्हाट्सअप वाले हैं वो आपको इस तरह से मैसेज सेंड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के मैसेज सेंड करने के बाद आपको फिर वेट करना पड़ेगा, 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आपका जो व्हाट्सअप है वो अनबैन हो जाएगा। तो अभी मैंने वीडियो को थोड़ी फॉरवर्ड की है, तो वापस चलते हैं अपने व्हाट्सअप की तरफ। आप देख सकते हैं 4 बज चुके हैं, और हम यहाँ पर वापस अपना नंबर पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा नंबर अनबैन हो चुका है। तो अभी यहाँ पर ओके पे क्लिक करते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद हम अपना SMS का वेट करते हैं, और आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर हमें हमारे जो व्हाट्सअप की तरफ से SMS भी मिल जाएगा। तो अभी कुछ वेट करते हैं, ये आप देख लें कि हमारा जो SMS है वो भी आ गया। तो यहाँ पर आपने सिंपली रिट्राई पर क्लिक करो 1 मिनट, ये वापस से ये हमारा व्हाट्सअप अनबैन हो चुका है। अगर आपको कोई और भी काम चाहिए हो नादरा के वाले से, अगर किसी का डाटा चाहिए हो या कोई भी चीज़ आपने निकलवानी हो, नादरा के लोकेशन निकलवानी हो या किसी नंबर की फैमिलिटी निकलवानी हो या ब्लैक परमिट, ब्लैक शीशों का परमिट चाहिए हो, तो वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने सारे कस्टमर हैं, तो इन्होंने मुझे मैसेज सेंड किया, तो मैं इनको जो भी इनकी चीज़ें होंगी वो प्रोवाइड कर दूँगा। बाकी नंबर वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर किसी को भी कोई काम हो तो वो आके मुझसे करवा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।